नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। रविवार 16 अप्रैल को तेगरा थाना परिसर में आगामी त्योहार ईद उल फितर के मद्देनजर शांति समिति की बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवी एवं सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाले लोग शामिल हुए। अध्यक्षता करते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार पांडे ने बैठक में उपस्थित लोगों से त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की। उन्होंने समस्याओं के बारे में पूछा, साथ ही त्यौहार सकुशल संपन्न कराने के लिए सुझाव भी मांगे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रशासन का पूरा सहयोग करने तथा त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने का आश्वासन दिया। उपस्थित लोगों ने मस्जिदों के आसपास साफ सफाई की व्यवस्था, उचित विद्युत आपूर्ति व स्थान प्रबंधन को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति व वस्तुओं आदि देखे तो तत्काल पुलिस को सूचना देकर अवगत करवाए, ताकि पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जा सके। मौके पर नगर मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कन्हैया कुमार, जद्दू के प्रखंड अध्यक्ष सरपंच प्रमोद चुरसिया, सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष हीरालाल महतो, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सह वार्ड पार्षद दीपक राय, वार्ड पार्षद अशोक मिश्रा, राम प्रवेश सिंह, गौरव कुमार, मुरारी कुमार सिंह, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद शाहिद उर्फ राजा, भाकपा नेता रविन्द्र कुमार, कांग्रेस के अताउर रहमान, जदयू नेता अविनाश कुमार एवं राजीव सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि राजेश चौधरी उर्फ बुलाए, मोहम्मद अख्तर हुसैन, प्रशिक्षु SI अभिराम कुमार झा, मोनिका कुमारी, मनीषा कुमारी, थाना कर्मी चंदन कुमार, मोहम्मद सुल्तान के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। हमर कितना रुपया लिखल है, 15,000-20,000 घटले, हमर पार्षद के दोसर के लिखल है 2,000-5,000 दिए, 15,000 के।